वेलकम टू किड्स ब्राइड। आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउंस। हिंदी में हम इसको सर्वनाम भी बोलते हैं। प्रोनाउंस आने से पहले नाउन आना बहुत जरूरी है बच्चों को, कि नाउन क्या होता है। मैंने उसका भी वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज प्रोनाउन? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट टेक्स प्लेस द प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन हम एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन की जगह ले लेता है। तो अभी हम इतना ही पढ़ते हैं, अभी जैसे जैसे हम एग्जाम्पल देखते जाएंगे हमें और भी ज्यादा क्लियर होता जाएगा कि प्रोनाउन एक्चुअल में होता क्या है। एक डेफिनेशन और होती है इसकी, अ वर्ड दैट कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड एज प्रोनाउन। नेमिंग वर्ड यानी नाउन, नेमिंग वर्ड को ही नाउन बोलते हैं। नेमिंग वर्ड की जगह पर अगर हम कोई एक ऐसा वर्ड यूज करते हैं, उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हम अभी आके देखेंगे। यहाँ पर अभी हमें सिर्फ इस 7 प्रोनाउन वर्ड पढ़ने हैं कि कितने हमारे पास वर्ड्स हैं। आई, ही, शी, इट, वी, यू, दे। तो इस तरह से पिरामिड बना के बच्चों को समझाया जाता है कि आई, ही, शी, इट, वी, यू, दे। तो ये 7 प्रोनाउंस हैं जो हमें पढ़ने हैं और ये देखना है कि किस नाउन की जगह पे कौन सा प्रोनाउन यूज होता है। बट पहले उनको फिंगर पे बच्चों को ये लर्न करवा दीजिए कि प्रोनाउंस होते कौन कौन से हैं, तो उनको आगे पढ़ने में आसानी रहेगी। अब एक बात और आती है कि सिंगुलर प्रोनाउन यानी सिर्फ एक जने की अगर हम बात करेंगे तो कौन कौन से वर्ड्स हम यूज करने हैं हमें? आई, ही, शी, इट। और अगर प्लूरल प्रोनाउन की हम बात करेंगे यानी एक से ज्यादा जनों की हम बात करेंगे, तो वहां पर हम ये दो प्रोनाउन यूज करते हैं, वी एंड दे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यू नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि यू हमारा सिंगुलर प्रोनाउन में भी यूज होता है और प्लूरल प्रोनाउन में भी यूज होता है। वो कैसे होता है वो भी हम आगे अभी इस वीडियो में देखेंगे। एक बात ये आती है कि ही, शी, वी, ये सब दे, सॉरी ही, शी, वी जो है हमारा पर्सन के लिए यूज होता है, पीपल के लिए यूज होता है। इट हमारा एनिमल्स और थिंग्स के लिए यूज होता है। तो ये चीज याद रखनी है। जैसे अगर हम कैट, डॉग की बात करेंगे तो वहां पर भी इट यूज होगा। कोई भी हम थिंग की बात करेंगे, फैन, टेबल, चेयर, बुक, पेंसिल, तो वहां पर भी हमारा इट यूज होगा। तो इसीलिए मैंने बोला था कि बच्चों को पहले नाउन आना जरूरी है, क्योंकि उसमें एनिमल भी होते हैं, नाउन्स में थिंग्स भी होते हैं, तो उनको उनको डिफर करना आ जाता है कि कौन कौन से नाउन है हमारे पास। अब ये दो हमारे रहते थे वी एंड दे। इसमें डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे इसी में ही कंफ्यूज रहते हैं। तो वी का मतलब होता है हम, दे का मतलब होता है वे। इनमें दो तीन डिफरेंस होते हैं, वो मैं बताती हूँ आपको। वी इज यूज फॉर मोर देन वन पर्सन। वी मैंने अभी पहले भी बताया आपको, प्लूरल प्रोनाउन है यानी एक से ज्यादा लोगों के लिए यूज होगा। दे इज यूज फॉर मोर देन वन पर्सन और एनिमल और थिंग। यानी अगर हम दे लिखेंगे तो हम एनिमल की भी बात कर सकते हैं उसमें, पर्सन की भी बात कर सकते हैं और थिंग की भी बात कर सकते हैं। बट वी के केस में हम सिर्फ ह्यूमन बींग्स के बारे में ही बात करेंगे, पर्सन के बारे में ही बात करेंगे। और दूसरी बात ये आती है दोनों में डिफरेंस, अगर हम वी की बात करते हैं तो उसमें आई इंक्लूडेड होता है। यानी अगर मैं बोल रही हूँ वी आर प्लेइंग, यानी वी आर प्लेइंग, उसका मतलब होगा मैं भी खेल रही हूँ। और अगर मैं बोलती हूँ दे आर प्लेइंग, तो उसका मतलब होगा कि मैं उन लोगों के साथ नहीं खेल रही हूँ, वो लोग खेल रहे हैं। तो अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो हम ऐसे बोलेंगे हम खेल रहे हैं। जैसे मैं भी बच्चों के साथ खेल रही हूँ तो मैं बोलूंगी वी आर प्लेइंग, और मैं मान लीजिए बच्चों के साथ नहीं खेल रही हूँ तो मैं उनके लिए बोलूंगी दे आर प्लेइंग या दे आर गोइंग टू स्कूल, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। अगर मान लीजिए मैं भी बच्चों के साथ स्कूल जा रही हूँ तो मैं बोलूंगी वी आर गोइंग टू स्कूल, इस तरह से। तो वी और दे में डिफरेंस बच्चों को समझना यहाँ पे जरूरी हो जाता है। उनको समझ नहीं आता कई बार कि वी का मतलब भी मोर देन वन पर्सन होता है, दे का मतलब भी मोर देन वन पर्सन होता है, तो क्या यूज करना है। अब इस तरह से बच्चों को पिक्चर्स दी जाती है और उनसे पूछा जाता है कि करेक्ट प्रोनाउन यहाँ पर लिखिए, कि यह बॉय है, बॉय के लिए कौन सा प्रोनाउन हम यूज करते हैं? ही इज अ बॉय। तो जो छोटे छोटे सेंटेंस बच्चों को हम अब तक करा देते हैं स्कूलों में,
उस बेसिस पे ही वो समझ जाते हैं कि बॉय के लिए हम ही यूज करते हैं, गर्ल के लिए हम शी यूज करते हैं, अब कैट है, अब मैंने बताया एनिमल के लिए हमें क्या यूज करना है, इट यूज करना है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, इसमें मैं तो नहीं हूं यहाँ पर जैसे, तो दे, तो अगर कुछ इस टाइप की पिक्चर होती है जिसमें आई भी इंक्लूडेड होता है तो वहां पर वी आता है, अदरवाइज दे आएगा। गर्ल के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होगा? शी। सर्कल द प्रोनाउन इन ईच सेंटेंस। कुछ सेंटेंसेस दिए जाते हैं बच्चों को, उनमें से करेक्ट प्रोनाउन चूज करना होता है, उसको सर्कल करना होता है या फिर अंडरलाइन करने के लिए बोला जाता है बच्चों को। तो फर्स्ट सेंटेंस में यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू हमारा, यहाँ पर सर्कल करना है हमें, यू हमारा प्रोनाउन है। मॉम एंड आई कुड गो, तो आई यहाँ पर है, मैंने अपना नाम नहीं लिखा यहाँ पे, नेमिंग वर्ड की जगह आई यूज करा है, तो आई यहाँ पर एक प्रोनाउन है। इसी तरह से यहाँ पर यू लिखा था, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू का कोई नाम नहीं है यहाँ पे, जैसे मेरी कोई फ्रेंड है उसका नाम लिख सकती थी मैं, जैसे मान लीजिए सीमा मेरी फ्रेंड है, सीमा इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो सीमा ना लिख के मैंने यहाँ पर यू लिखा है, तो यू एक क्या है, प्रोनाउन है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, दे प्रोनाउन हो गया यहाँ पे। शी इज वेरी क्यूट, यहाँ पे मैंने उस लड़की का नाम नहीं लिखा, उसकी जगह क्या यूज करा है, शी यूज करा है, तो शी को सर्कल करेंगे। इस टाइप से बेसिक बेसिक सेंटेंस बच्चों को प्रैक्टिस कराने के लिए दी जाती है। कैन वी गो आउटसाइड, तो इसमें वी प्रोनाउन है। ही वेंट फॉर अ पिकनिक, ही, शी मेट विद देम, शी, और यहाँ पर देखिए देम क्या है, दे के लिए यूज होता है, तो ये बच्चों को बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पर हमें ये बताना पड़ेगा कि डैम जो है डे की प्लेस पर यहाँ पर यूज हो रहा है, तो इसलिए उसको सर्कल करना है इट। अब यहाँ पे देखिए बच्चों को जब नाउन और प्रोनाउन दोनों करने आ जाते हैं तो उसके बाद उनको इस टाइप की एक्टिविटी कराई जाती है कि नाउन को अलग छांट के लिखना है, उन्हें वर्ड्स दे दिए जाते हैं काफी सारे, और प्रोनाउन को अलग लिखना है, जैसे कि बर्ड हमारा नाउन है, शी प्रोनाउन है, लैम्प नाउन है, लैम्प इज अ थिंग, मंकी इज एन एनिमल, दे प्रोनाउन है, यू भी प्रोनाउन है, हट नाउन, आई प्रोनाउन, तो उनको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि नाउन हमें क्या क्या होते हैं और प्रोनाउन क्या क्या होते हैं, हमें अलग अलग वर्ड्स। अब प्रोनाउन में सिंपल बच्चों को ये 7 वर्ड्स ही याद करने हैं, बाकी सब नाउन में ही लिखने हैं। मैचिंग नाउन टू इट्स प्रोनाउन, अगर द बॉय लिखा है तो उसकी जगह आप ही लिख सकते हैं, तो मैचिंग करने के लिए भी आता है बच्चों को। माई फ्रेंड्स, यानी एक से ज्यादा फ्रेंड की बात हो रही है तो दे, यू एंड आई, मैंने बताया जब आई हमारा हो जाएगा किसी के भी साथ तो हम वी लिखते हैं। कैप, कैप हमारी थिंग है तो इट, टीना गर्ल का नेम है तो शी के साथ मैच करेंगे। अब देखें यहाँ पे ही प्रोनाउन की बात करते हैं कि किस तरह से ही प्रोनाउन हम यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस में। सैम इज अ गुड बॉय, सैम लाइक्स टू प्ले, सैम विल गो टू द जू। अब इस वाले सेंटेंस में सैम हमने 3 बार यूज करा है, हो सकता है अभी बच्चे फर्स्ट क्लास में है तो थोड़ा उनको 2 या 3 सेंटेंस ही दिए जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं दिया जाता है अभी, तो अगर मान लीजिए बहुत बड़ा कोई सेंटेंस है उसमें बार बार हम सैम 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 यूज कर रहे हैं तो वो सही नहीं होगा, उसकी जगह हम क्या यूज करेंगे, ही यूज करेंगे। बट एक बार हमें फर्स्ट टाइम सैम हमारे लिखना जरूरी है, जब ही हमें समझ में आएगा कि हम ही किसके लिए यूज कर रहे हैं। तो अगर हम इस वाले सेंटेंस, जो भी हमारे पास ये 3 सेंटेंस है, ये पूरा पैराग्राफ है, इसको प्रोनाउन की फॉर्म में चेंज करेंगे तो इस तरह से लिखा जाएगा, सैम इज अ गुड बॉय, ही लाइक्स टू प्ले, ही विल गो टू द जू। तो यहाँ पर ही हमें समझ में आ रहा है, हम सैम के लिए यूज कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे लिख दे, यहाँ पे पहले ही लिख देते ही इज अ गुड बॉय तो हमें पता ही नहीं चलता हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम पे हमें सैम लिखना है, देन उसके बाद जहां पर भी सैम यूज होगा वहां पर हम ही लिखेंगे। नेक्स्ट शी का एक एग्जाम्पल देखते हैं। पूजा इज गोइंग टू मार्केट, पूजा इज वियरिंग अ रेड ड्रेस, पूजा वॉन्ट्स टू बाय फ्रूट्स। तो यहाँ पर देखिए 3 टाइम्स पूजा यूज हो रहा है, सेम फर्स्ट टाइम ही हम पूजा लिखेंगे और बाद में पूजा की जगह कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, शी। नेक्स्ट इट, यानी कोई भी हमारा एनिमल हो सकता है या कोई थिंग हो सकती है, उसको हमें किस तरह से लिखना है,
आई हैव अ फुटबॉल, तो इस वाले सेंटेंस में फुटबॉल हमारी थिंग है. माई फुटबॉल कलर इज ब्लैक एंड व्हाइट, फुटबॉल इज माई फेवरेट गेम. तो इस तरह से दो तीन सेंटेंस बच्चों के लिए आते हैं और अब ये देखना है कि बार बार कौन सा वर्ड यूज हो रहा है. फुटबॉल वर्ड यूज हो रहा है और बच्चों को नाउन छांटना भी आना चाहिए. जब वो नाउन छांट पाएंगे, नाउन चूज कर पाएंगे, उसके बाद ही वो उस नाउन को प्रोनाउन में चेंज कर पाएंगे. इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि बच्चों को नाउन आना जरूरी है. तो फर्स्ट सेंटेंस तो हम इसी तरह से लिखेंगे, आई हैव अ फुटबॉल, बट बाद में फुटबॉल की जगह हम क्या यूज करेंगे, इट. नेक्स्ट वी, रोहन एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड्स, रोहन एंड आई विल गो टू स्कूल, रोहन एंड आई. देखिए बार बार रोहन एंड आई इसमें यूज हो रहा है, तो उसको हम सिर्फ एक बार ही लिखेंगे और बाकी में जब हमारा रोहन के साथ मैं भी जुड़ी हुई हूँ, आई भी जुड़ा हुआ है, तो हम क्या यूज करते हैं, वी. रोहन एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड्स, वी विल गो टू स्कूल, वी विल प्ले गेम्स. टीना, Rita and John are in the same school. Tina, Rita and John play in the park. अब बार बार ये Tina, Rita, John की बात हो रही है, इसमें I included नहीं है, तो हम इसकी जगह क्या यूज करेंगे, they. बार बार इन सबका नाम लिखने की जरूरत नहीं है. मान लीजिए बहुत बहुत बड़ा पैराग्राफ है, ये एक पेज का पैराग्राफ है, आप कोई स्टोरी लिख रहे हो, आप कोई एप्लीकेशन लिख रहे हो, तो उसमें बार बार आपको तीन चार नाम है या उससे भी ज्यादा नाम आपको लिखने पड़ रहे हैं, तो बार बार वो सारे नाम लिखने की जरूरत नहीं है. सिर्फ एक बार ही हम ये नाम लिखेंगे, टीना, रीटा एंड जॉन या जो भी नाम आपके लिखे हुए हैं, और उनके प्लेस पर हम क्या यूज करेंगे, दे यूज करेंगे. इस तरह से भी आता है, अंडरलाइन करके दिया हुआ है, आई लाइक टू प्ले विथ माई टू ब्रदर्स. अब इस माई टू ब्रदर्स की जगह क्या आएगा, देम. माई सिस्टर बेक्ड अ केक, माई सिस्टर की जगह क्या लिख सकते हैं हम, शी. थैंक्स फॉर वॉचिंग किड्स प्राइड, आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिए, और आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए. थैंक यू, बाय बाय.